राम राम सारे भाई आने। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है योयानी सिंह की तरफ से। तो योयानी सिंह का भी एक इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने उनकी अपकमिंग एल्बम इंटरनेशनल ब्लेजर 2 और शुभ के बारे में बात की हुई थी। आप खुद देख सकते हो उसकी छोटी सी क्लिप। This collaboration album of this decade is coming, which is my sequel of my 12-year-old album International Villager 2. It's gonna be lots of international collaborations, Indian collaborations. It's 20-song album. It's a huge project. I'm very much excited for it. I requested one of my favorite artists because he's like a big streaming artist right now. Out of India is a big revolution. I love him so much. He's like my younger brother, but he don't make music videos. His name is Shubh. So I requested him, bro, make music videos. I want to see you performing. So now he's making, but I want to see him on massive multi-platinum music videos because he's a brand. I want to see him grow like that. Not just his sound, not just his voice. Him as a personality as well. अगर आप ये फुल इंटरव्यू देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो आपको पता ही होगा कि रफ्तार ने एक लाइव स्ट्रीम करी हुई थी डैंक रिसू के साथ में। तो डैंक रिसू का भी एक इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने उसी स्ट्रीम के बारे में बात की हुई थी। जो उस स्ट्रीम में रफ्तार ने जोक वगैरह मारे हुए थे वो उन्होंने खुद लिख के दिए थे। मैंने सॉरी बोला था, कहते क्या गलती हो गई तेरे से। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे एक मीम थी, मैंने वो स्टार्ट करी थी बस। तो कहते कि ठीक है स्ट्रीम करते हैं, हालांकि मेरी बदनामी भी, बट लेट्स डू इट जो भी है। फिर मैंने प्लान आउट किया और उसके एक दिन पहले मैंने उनको सारे जोक वोक बताए जो भी हुआ, एंड देन जो भी हुआ स्ट्रीम। बात क्या थी ना, लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो रफ्तार वाले जोक्स थे वो भी तो प्लान आउट हुए होंगे ना, वो भी तो लिखे होंगे। आई एग्री कि इट गॉट ऑकवर्ड मतलब कुछ पॉइंट्स पे, बट जो भी तुम लोग ऐसे चढ़ा रहे हो कि मतलब रफ्तार पाजी ने मतलब पार्ट दिया और जो भी मतलब वो मैं नहीं लिखा रहा हूं। हां अगली जो न्यूज है वो आ रही है किंग की तरफ से। तो किंग का एक नया ट्रैक जिसका नाम है वी आर द वंस वो फीचर हुआ है फीफा की एक न्यू गेम में, जो कि काफी बड़ी बात है। साथ ही सीधे मौत ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में उनके लंच ब्रेक मिक्स टैप के बारे में क्या कहा हुआ है आप खुद सुन सकते हो। सुनो ए, ए, सीधे मौत ने शुराए, भाई 2.5 करोड़ प्लेस हो गया क्या लंच ब्रेक पे भाई, लेट्स गो। साथ ही राज जोंस ने एक ट्वीट किया जिसपे लिखा हुआ था जस्ट हियर सम अनरिलीज्ड सॉन्ग्स ऑफ इक्का म्यूजिक #boom #banger #tawahi। साथ ही परमीश वर्मा और पैराडॉक्स का जो कोलैब ट्रैक है चेक इट आउट, उसने 1 मिलियन प्लस रील्स क्रॉस कर लिए हैं इंस्टाग्राम पे। साथ ही मूफार्ड का नया ट्रैक हमको 30 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है और लक्स और हरजस का भी कोलैब ट्रैक आ रहा है जो कि हमको 30 तारीख को ही देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।